हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आप लोगों को हेल्थ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टन्सिल बढ़ने के कारण के बारे में, लक्षण के बारे में और उपचार के बारे में। दोस्तों, टन्सिल किस कारण से बढ़ता है, टन्सिल के बढ़ने के बाद लक्षण क्या होता है और उपचार क्या है। दोस्तों, आपको इस टन्सिल के बारे में आज डिटेल रूप से हम इस वीडियो में बात करेंगे और मैं एक ऐसे घरेलू टिप्स बताऊंगा जिसके प्रयोग से आपका टन्सिल एक दिन में ही 100% ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, ये घरेलू टिप्स का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और ये आपको घर पे ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों, ये जानने के लिए मेरे वीडियो अंत तक देखिए और मेरा चैनल एसकेएल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आइए जानते हैं टेंसिल बढ़ने के कारण। अत्यधिक ठंडी वस्तु को खाने से, जैसे चावल, आलू, दही आदि के अधिक प्रयोग से टन्सिल बढ़ जाते हैं। ऋतु परिवर्तन से टन्सिल बढ़ जाते हैं, सर्दी लग जाने से टन्सिल बढ़ जाते हैं, अशुद्ध पेय पदार्थों के पीने से भी टन्सिल फूल जाते हैं या बढ़ जाते हैं। ये दोस्तों टन्सिल बढ़ने के कारण है। अब जानते हैं टन्सिल बढ़ जाने के बाद इसका लक्षण क्या है, मेरे गले में क्या प्रॉब्लम हो जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं लक्षण। टन्सिल में सूजन आ जाने से लालिमा आ जाती है, टन्सिल में लालिमा हो जाता है, गले में सूजन हो जाता है, टन्सिल बढ़ जाने से गले में दर्द हो जाता है, कुछ भी खाने पीने में कठिनाई होने लगती है, टन्सिल बढ़ने से सांस लेने में परेशानी होने लगती है, बोलने में कठिनाई और आवाज़ का साफ ना निकलना, कभी कभी सिर दर्द और बुखार तथा शरीर में स्फूर्ति की कमी आदि इस रोग का प्रमुख लक्षण है। दोस्तों, ये आपको रोग हो जाने पर टन्सिल बढ़ जाने के कारण ये आपको लक्षण दिखता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं इसको उपचार के बारे में। दोस्तों, मैं एक घरेलू टिप्स बताऊंगा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका एक बार ही उपयोग से आपको 100% ठीक हो जाएगा। आप वीडियो अंत तक जरूर देखिए, मेरा चैनल एसके हेल्थ को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आइए जानते हैं उपचार के बारे में। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर गर्म पानी और नमक और फिटकरी दिख रहा है। फिटकरी किस तरह से आपको, यानी आपको भस्म बना लेना है, यानी इसको कुट पीस लेना है। आप जानते हैं इसका उपचार क्या है। गर्म पानी में चुटकी भर फिटकरी और समान मात्रा में नमक खोल ले। इस पानी से 5 मिनट तक गले तक गरारे करें। 2-2 घंटे बाद यही क्रिया दोहराएं। एक दिन में ये रोग दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आप लोग को थोड़ा सा नमक लेना है, थोड़ा सा आपको फिटकरी भस्म लेना है जो स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको उसमें गर्म पानी मिला लेना है। गर्म पानी मिलाने के बाद दोस्तों आपको एक एक घंटे पर, 2-2 घंटे पर आपको इसको गरारे करना है गले तक। आपको एक दिन में टन्सिल 100% ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, इस घरेलू टिप्स का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।